धुळे शहरात वारंवार लाईट जाण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत आहेत. तास दोन तासात वीज खंडित होणे, फ्यूज उडण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या सर्व प्रकारांवर त्वरित उपाययोजना करून धुळे शहरात वारंवार लाईट जाण्याचे प्रकार बंद करावेत. सोमवारपासून शहरात किरकोळ कारणांनी लाईट जाणार नाही अशी व्यवस्था करावी अशी सक्त ताकीद शहराचे आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी वीज वितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. आमदार शाह यांनी शहरातील गुलमोहर रेस्ट हाऊस येथे आज वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता पवणेकर, कार्यकारी अभियंता गांगुडे, उपकार्यकारी शहर अभियंता पवार, देवपूरचे उपकार्यकारी अभियंता साळुंके, मनपा अभियंता उगले यांची भेट घेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करीत सूचना केल्या. यावेळी शहरातील वीज पुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी वाढल्या असून अनेक नागरिकांनी आपल्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यानुसार आपण दखल घेऊन उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा कोणी ऐकत नसेल किंवा फोन उचलत नसतील त्यांना निलंबित करावं असा इशाराही आमदार शाह यांनी यावेळी दिला. अरे आ रही थी कि हर तरफ लाइन चली जाती है, दो दो घंटे लाइन नहीं रहती है और अगर उनको फोन किया जाए तो फोन कोई उठाता नहीं है, फोन साइड में रख देते हैं. इसलिए आज हमने जो महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल के सभी अधिकारियों को, उसमें अधीक्षक अभियंता, उप अधीक्षक वगैरह, इनको सबको बुलाकर इनको वार्निंग दिए और इनको ये कहा है कि दो दिन में तुम पूरी युद्ध पातड़ी पर जो पूरे शहर में जो डैमेज है उसको कंट्रोल करो और सोमवार से शहर भर में लाइन नहीं जाना चाहिए, पावर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए पूरी उपाय योजना करो. और उनको ये आदेश किया है कि अगर जो भी अधिकारी के एरिया में अगर ज़्यादा लाइट जाती है और जाकी ज़्यादा तकरार आती है तो उसको निलंबित किया जाए और उसके बाद जो कर्मचारी या जो अधिकारी फोन नहीं उठाता है या फोन साइड में रख देता है तो उसको तुरंत निलंबित किया जाए, ऐसा आदेश हमने उनको दिया है. दूसरा विषय ये था कि जो पिछले हफ्ते हमने महाराष्ट्र राज्य के विद्युत जो हमारे मंत्री है नितिन जी राउत साहब, उनसे ऊर्जा मंत्री साहब से हमने मुलाकात करके उनको ये कहा कि जो हमारे शहर में बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं कि जिसमें शॉक लगने की वजह से मृत्यु होती है और फिर वीज चोरी भी हो रही है, तो इन बातों को लेकर पूरे शहर में जैसे पूना नासिक वगैरह में जो अंडरग्राउंड लाइन की गई है उसी तरह से हमारे शहर में भी किया जाए. हमने पूरा आरा खड़ा तैयार करने के बाद ऊर्जा मंत्री साहब को सब समझा के डिटेल में बताया. उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि धुलिया शहर में स्टेप बाय स्टेप चार स्टेप्स में हम अंडरग्राउंड लाइन डालने की पूरी कोशिश करेंगे. जो हाई टेंशन की लाइनें गई है उसको हटाया जाए या जहाँ पर जो पत्रे के कच्चे मकान बने उनके ऊपर जो लाइन गई है एलएनटी की उसको वहाँ से केबल वहाँ पर डाला जाए, ऐसी ये सब बातें हमने ये सूचनाएं दी है. और जो डीपी ओपन पड़ी है जिनको झांकन नहीं लगे उनको झांकन लगाया जाए और जहाँ डीपी के आसपास में एक छोटा वॉल कंपाउंड किया जाए कि जहाँ पर बच्चे जा ना सके और कोई एक्सीडेंट ना हो ऐसा.